आचार संहिता समाप्त होते ही बिहार सरकार नौकरियों की बौछार लगा दी है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुआ, सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर वैकेंसी निकली और उसके अगले दिन ही पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर वैकेंसी निकली है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है, उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3-4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। यह हम समझते हैं कि 3-4 महीना के अंदर में सर अधिकांश हो जाएगा, कुल 6 महीने से ज़्यादा है। यह इस वित्तीय वर्ष में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 15,610, जिसमें आपको मैं बता दूं ये डिटेल्स आप लोगों को मिला है, आप लोग जिसमें पंचायती राज पदाधिकारी हैं 112, अंकेक्षक हैं 28 और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों को काम बाधित हो रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 3,525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियाँ होगी। निम्न वर्गीय लिपिक हैं जिनका 504 है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं 1 है, कार्यालय परिचारी 5 हैं, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72, कुल मिलाकर के 4,351 है। और दूसरे तरफ यह अस्थाई पद है और दूसरे तरफ अस्थाई अस्थाई पद की संविदा है जिसका हम लोगों ने निकाला है, और लेखापाल सह आईटी सहायक के 7,070 हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, जो प्रक्रियाधीन है और 2-3 महीने के अंदर में सब प्रक्रिया पूरा निकला हुआ है। आप लोगों को जानकारी होगी तकनीकी सहायक 566 हैं, कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 हैं, ग्राम कचहरी सचिव 1400 हैं, ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2230 हैं, कुल 11,259 हैं। यह हम अभी आपको दोनों मिलाकर के 15,610 नौकरियां देने जा रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर इसी वर्ष तक 6-8 महीने में ये 15,610 पदों पर वैकेंसी पूरा कर लेने का विभाग ने लक्ष्य रखा है। ईडी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।